हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम आपको बताते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जब हमने बात की, यानी एनिमल्स के अंदर हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का जब भी आपके सामने जिक्र किया बेटा, तो वहां पर जिक्र करते टाइम पर हमने एक वर्ड लिखा था जिसको हम बोलते थे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है बेटा, इस वर्ड का मतलब क्या था हमारे पास है कि ह्यूमन बीइंग्स या किसी भी एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होता है, किस चीज का प्रोसेस बेटा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, उसको दो चीजें कंट्रोल करती हैं। और वो दो पार्ट जो हमारे पास थे उसमें हमारे पास एक पार्ट तो ये न्यूरो है, जिसमें हमारे पास कौन सी चीज आ गई बेटा, नर्वस सिस्टम आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट जो हमारे पास है एंडोक्राइन, जिसमें हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम आ गया। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, इस एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है हॉर्मोनल सिस्टम बेटा। यानी किसी भी लिविंग एनिमल्स की बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम तो अपना काम करता ही करता है, लेकिन उस नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइनोलॉजी जो भी होती है, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है यानी हॉर्मोनल सिस्टम होता है बेटा, वो भी परफॉर्म करता है। तो हमने इस चैप्टर का जो लेक्चर वाइज जो इस चैप्टर को पढ़ा है उसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया बेटा। अब हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर यानी एनिमल्स के अंदर अगर हम एंडोक्राइनोलॉजी की बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, तो बेटा उसमें कौन सा पार्ट किस तरीके से इंक्लूड करता होता है वो देखिए हम बताते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास क्या है टॉपिक, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हमारे पास टॉपिक क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, हॉर्मोनल सिस्टम बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, हॉर्मोनल सिस्टम। इस एंडोक्राइन सिस्टम को हमें हॉर्मोनल सिस्टम के नाम से बोलते हैं बेटा। अब ये जो हॉर्मोनल सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो हॉर्मोनल सिस्टम होता है, इस हॉर्मोनल सिस्टम में क्या चीज होती है बेटा, देखिए किस तरीके के केस है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर किस तरीके की कंडीशन है हमारे पास कि क्या होता है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हॉर्मोनल सिस्टम होता है बेटा, तीन तरीके की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और वो तीन तरीके की ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहले ग्लैंड का मतलब होता है देखिए, ए सेल, टिश्यू और ऑर्गन, और क्या बेटा, ऑर्गन। ठीक है, विच सीक्रेट सम केमिकल सबस्टांस। ठीक है ना बेटा, वो कुछ केमिकल सबस्टांस सीक्रेट करता है, हेल्प इनटू टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो ये सबस्टांस है बेटा, विच हेल्प इन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और वो जो केमिकल सबस्टांस है, ठीक है, उस केमिकल सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं, जो केमिकल सबस्टांस हम बोल रहे हैं, केमिकल सिक्रीटिन, इसको हम बोल सकते हैं हॉर्मोन। ठीक है ना, इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, हॉर्मोन बोल सकते हैं। स्टार्लिंग नाम का जो पर्सन है बेटा 1905 के अंदर उन्होंने सबसे पहले ये टर्म प्रोवाइड की हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ग्लैंड्स की, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। देखिए टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की बात अगर हम करें बेटा, तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में हमारे पास कितने टाइप की कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। देखिए तीन टाइप की ग्लैंड्स है हमारे पास। नंबर वन कौन सी है बेटा, एग्जोक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना, कौन सी, एग्जोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, नंबर सेकंड है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड।
और थर्ड हमारे पास कौन सी है बेटा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बेटा, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम एक और वर्ड बोलते हैं, एक और टाइप बनाते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम के अंदर, यानी जो ग्लैंड्स की टाइप की बात हम करते हैं बेटा, मेनली चार टाइप की ग्लैंड्स है बेटा। एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी क्या है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरी हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, एंड फोर्थ इज द मिक्सोग्लैंड्स, मिक्स्ड ग्लैंड। अब ये कौन कौन सी ग्लैंड्स है, कैसे कैसे काम करती हैं, किस तरीके से परफॉर्म करती हैं, इन सब ग्लैंड्स को हम डिटेल में करके बताते हैं बेटा। देखिए ये जो ग्लैंड्स है हमारे पास, इनको हम बताते हैं, देखिए बेटा क्या है, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहली ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है वो है हमारे पास एग्जोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एग्जोक्राइन ग्लैंड। ये एग्जोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, एग्जोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है एक ग्लैंड विच सीक्रेट देयर सीक्रेशन बाय द हेल्प ऑफ ए डक्ट, ठीक है बेटा, जो अपने सीक्रेशन को टारगेट साइट पे डक्ट की सहायता से सीक्रेट करती है, बाय द हेल्प ऑफ डक्ट, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डक्ट एट द टारगेट साइट, जो भी सीक्रेटिन है बेटा, जो केमिकल सब्सटेंस है, जो सीक्रेशन है उसका, उसको डक्ट की सहायता से वो कहां पर सीक्रेट करती है, जहां पर टारगेट साइट है। मैं अगर आपके सामने बोलूं कि देखिए एग्जांपल के तौर पर जैसे स्वेट ग्लैंड, ठीक है ना, स्वेट ग्लैंड है बेटा, ठीक है, स्वेट ग्लैंड है। इसके साथ साथ बेटा जैसे स्लाइवरी ग्लैंड है बेटा, ये क्या करती है कि अपनी जो टारगेट साइट होती है, जैसे सपोज कीजिए ये स्किन है बेटा, ठीक है ना, ये क्या है, स्किन है, और इस स्किन के अंदर यहां से स्वेट रिलीज होता है, ये पसीने की ड्रॉप है बेटा, ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है ना, स्वेट की। अब ये ग्लैंड्स जो यहां पर प्रेजेंट है बेटा, एक्चुअली में जो ग्लैंड्स यहां पर प्रेजेंट है वो जिस भी तरीके से प्रेजेंट है, यहां पर उसकी पार्टिकुलर लोकेशन प्रेजेंट है, तो इस पार्टिकुलर लोकेशन पे यहां पर सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, वो सेल्स कलेक्ट करती हैं वाटर वगैरह जो सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है बेटा उसको, और इसके बेस के ऊपर वो इसमें एंटर करती हैं, यहां पर एंटर कर देती है, यहां से वो रिलीज होता है बेटा, और इस तरीके से होता है भाई, यहां से वो वाटर यहां पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड है देखिए इसमें क्या है, मैंने कहा कि ग्लैंड विच सीक्रेट देयर सीक्रेशन बाय द हेल्प ऑफ ए डक्ट, अब ये डक्ट के थ्रू, ठीक है ना, यानी इस डक्ट के थ्रू वो अपने सीक्रेशन को सीक्रेट करती है, रिलीज करती है बाहर की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास दूसरी कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना, दूसरी कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड। हर किसी ग्लैंड का हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या है, सेकेंड वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा, दूसरी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब इस एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है, देखिए द ग्लैंड विच सीक्रेट, ठीक है ना, विच सीक्रेट देयर सीक्रेशन, ठीक है, एट द टारगेट साइट विदाउट डक्ट और विद द हेल्प ऑफ बेटा किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, और ब्लड वेसल्स में क्या है बेटा, ब्लड है, वो ब्लड ही टारगेट साइट पे उसको लेके जाता है, वो ब्लड ही है जो उसको टारगेट साइट पे लेके जाता है। तो मतलब एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें क्या होता है, सीक्रेशन जो होता है किसी भी ग्लैंड का, उसको विदाउट
विदाउट डक्ट उसकी टारगेट साइट पे रिलीज किया जाता है, और ऐसे में किसकी सहायता से रिलीज किया जाता है बेटा, ब्लड की सहायता से रिलीज किया जाता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंडुलर सिस्टम, ये तो सिस्टम है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर सिस्टम ठीक है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन आवर बॉडी फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है बेटा, ये हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स इंक्लूड्स हैं बेटा, और वो जो डिफरेंट ग्लैंड्स इंक्लूड हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं इसमें एग्जांपल देता हूं, हाइपोथैलेमस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेड मास्टर ऑफ ग्लैंडुलर सिस्टम, समझ गए। इसके अलावा और है बेटा जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको क्या बोलते हैं हमें, मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना, वो बॉडी। अब देखिए ये हेडमास्टर और मास्टर, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी वर्किंग होती है बेटा, इन दो ग्लैंड्स का रोल उसमें सबसे ज्यादा होता है। ये ग्लैंड्स जो होती है ये कंट्रोल करती हैं, जैसे ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बेटा इस सिस्टम को, और ये सिस्टम मतलब डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, लाइक दैट। जैसे मैं आपके सामने यहां लिख दूं, थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है ना, थायरॉइड ग्लैंड लिख दिया बेटा मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर मैंने और लिख दिया, जैसे इसके केस में एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं इसके लिए पेनक्रियास है, जैसे पेनक्रियास है बेटा उसको कंट्रोल करने का काम करता है। हम इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, रीनल ग्लैंड जो होती है ना हमारे पास, रीनल ग्लैंड, और रीनल ग्लैंड में हमारे पास क्या चीज है बेटा, रीनल ग्लैंड जो होती है, उस रीनल ग्लैंडुलर सिस्टम के अंदर भी हमारे पास ग्लैंड है। इसके लिए हम बहुत सारी ग्लैंड का एग्जाम्पल दे सकते हैं, यानी एड्रिनल ग्लैंड, पोस्ट रीनल ग्लैंड जो होते हैं ना बेटा, एड्रिनल ग्लैंड। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी ग्लैंड हैं, ऑल ग्लैंड आर इंक्लूड इन केस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना बेटा, जिसमें किसमें इंक्लूड करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में, मतलब इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इनको कंट्रोल करने का काम करता है बेटा ये जो सिस्टम है हमारे पास, वो सिस्टम करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट ग्लैंड जो हमारे पास है वो है हेटरोक्राइन ग्लैंड। फिर हमारे पास थर्ड क्या है बेटा, हेटरोक्राइन ग्लैंड, हेटरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हेटरोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, क्या काम करती है, देखिए एक ग्लैंड विच सीक्रेट देयर सीक्रेशन इन बोथ वे, ठीक है, बोथ वे मतलब बेटा, और हम ये कह सकते हैं ग्लैंड्स विच एक्ट द एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड बोथ वे बाय द हेल्प ऑफ डक्ट, और भाई हम ये कह सकते हैं विदाउट डक्ट, ठीक है बेटा, विदाउट डक्ट। अगर बाय द हेल्प ऑफ डक्ट है तो बेटा क्या बोलते थे, एक्सोक्राइन बोलते थे, और विदाउट यानी हम ये कह सकते हैं विदाउट डक्ट बोले या डक्ट लेस ग्लैंड बोले बेटा, तो उसमें हमारे पास क्या चीज था, एंडोक्राइन,
एंडोक्राइन। तो ये एक तरीके से ये हेटरोक्राइन जो ग्लैंड है बेटा विच हैव द बोथ कंडीशंस एंडोक्राइन एज वेल वेल एक्सोक्राइन कंडीशन। अब इसके लिए हमारे पास अगर हम एग्जांपल की बात करें ना तो इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा, इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है जैसे पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ठीक है, पेनक्रियाज हमारे पास है हेटरोक्राइन ग्लैंड से। अब ये पेनक्रियाज हेटरोक्राइन ग्लैंड कैसे है भाई, देखिए सिंपल सी बात है, दे सीक्रीट देयर हॉर्मोन ठीक है, देयर हॉर्मोन्स किसमें बेटा, डायरेक्टली इन द ब्लड, ब्लड के अंदर डाल देती है लाइक दैट। अब यहां पर अगर हम बात करें ना दैट इज द जैसे इंसुलिन ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दे सीक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो बेटा यहां तो देखिए ये क्या है, ये ब्लड में डालती है तो ये बन गई क्या, एंडोक्राइन। यहां तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, एंडोक्राइन, कि ये एंडोक्राइन है ठीक है। और यहां पर क्या कर सकते हैं भाई, कहां डालती है, डक्ट के थ्रू डालती है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं एक्सोक्राइन, इसमें क्या बोल सकते हैं एक्सोक्राइन। तो इसलिए हमारे पास थर्ड ग्लैंड जो है हेटरोक्राइन ग्लैंड जो है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, हेटरोक्राइन ग्लैंड के नाम से बोलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड हमारे पास जो बची है वो कौन सी ग्लैंड है बेटा, मिक्स्ड ग्लैंड ठीक है ना, कौन सी ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड, ग्लैंड नंबर फोर्थ इज द मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड बेटा, अब इस मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है ठीक है। अब मिक्स्ड ग्लैंड के लिए हम एग्जांपल देते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन में क्या है, ए ग्लैंड विच सीक्रेट ठीक है बोथ द हॉर्मोन एज वेल एज सेल्स ठीक है बेटा, इसलिए इसको मिक्स्ड बोलते हैं। हॉर्मोन भी सीक्रेट करती है और सेल्स भी सीक्रेट करती है। इसके लिए अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसके लिए क्या एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल अगर हम याद है बेटा तो गोनेड्स जो होते हैं, गोनेड्स में दो चीजें होती हैं, टेस्टिस और बेटा ओवेरीज। टेस्टिस जो होती है वो किसमें होती है, मेल में, और ओवेरीज जो होती है वो कहां होती है, फीमेल्स में ठीक है ना, फीमेल्स में होती है, मेल्स में होती है। अब उसको कैसे बोल सकते हैं हम ग्लैंड्स को, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक टेस्टिस को ही ले लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास क्या है, टेस्टिस को ही ले लेते हैं। तो टेस्टिस के केस में मेल में होती है ना, तो जो हॉर्मोन होता है बेटा, हॉर्मोन है जैसे हॉर्मोन्स, दे सीक्रेट हॉर्मोन्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन, जो मेल सेक्स हॉर्मोन होता है ना उसकी बात करते हैं, मेल सेक्स हॉर्मोन ठीक है ना, मेल सेक्स हॉर्मोन बोलते हैं इसको ठीक है। इसके साथ साथ ही अगर सेल्स की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट के हमारे पास सेल्स की बात करते हैं, तो बेटा इट्स हेल्पिंग टू सीक्रेट द स्पर्मेटोसाइट्स, मतलब जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। तो अभी ये क्या है बेटा, ये भी तो मेल गैमेट है, मेल गैमेट ठीक है, मेल गैमेट सीक्रेट करता है। तो इस तरीके से हमारे पास से चार तरीके की ग्लैंड्स है बेटा, उन चार ग्लैंड्स को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। सबसे पहले हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड बताई, फिर हमने एंडोक्राइन ग्लैंड बताई, फिर हमने हेटरोक्राइन ग्लैंड बताई, एंड द फोर्थ वन इज द मिक्स्ड ग्लैंड बेटा ठीक है। तो ये ग्लैंड्स हैं। अब एक एक करके हम ग्लैंडुलर सिस्टम को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ग्लैंडुलर सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है हाइपोथैलेमस ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम बोल सकते हैं आप ठीक है।
हालांकि हम कंपैरिजन की बात करें बेटा एंडोक्राइन सिस्टम में और न्यूरल सिस्टम में, तो न्यूरल सिस्टम जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है बॉडी के लिए, क्योंकि वो फास्ट होता है, वो क्विक होता है बेटा। न्यूरल सिस्टम जो होता है हार्मोनल सिस्टम के बेस के ऊपर क्विक होता है, उसमें एक्यूरेसी भी फास्ट होती है बेटा, ठीक है ना, और एक्यूरेसी भी फास्ट होती है और प्योर होती है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। अगर हम ग्लैंडुलर सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो अब हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है बेटा उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो इस कंपोनेंट्स के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो कौन से हैं? देखिए ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बेटा डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स इंक्लूड्स हैं, और वो जो डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स इंक्लूड्स हैं वो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं बेटा? देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले हमारे पास मेन जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसमें मैंने आप लोगों को ग्लैंड्स के बारे में बताया कि कौन सी ग्लैंड है। नंबर वन हमारे पास है बेटा हाइपोथैलेमस, सबसे पहले हमारे पास कौन सी है? हाइपोथैलेमस। सेकंड हमारे पास क्या है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है बेटा? पीनियल ग्लैंड है, ठीक है ना, पीनियल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड जो होती है बेटा वो कहां होती है? क्रेनियम में होती है, क्रेनियम मतलब स्कल में होती है, स्कल सिर के अंदर होती है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड हमारे पास है पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड, ठीक है। उसके बाद बेटा थायरॉइड, थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। थायरॉइड ग्लैंड के बाद हमारे पास कौन सी ग्लैंड आती है बेटा? थायमस बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? थायमस बोल सकते हैं। इस थायमस के साथ साथ हमारे पास पेनक्रियाज है बेटा, ठीक है ना, क्या है? पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज के बाद हमारे पास क्या है? सुप्रा रीनल, सुप्रा रीनल यानी मीन्स एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड। देन उसके बाद हमारे पास जो ग्लैंड है बेटा उसमें हमारे पास क्या है? गोनेड्स हैं, ठीक है। तो इन सारे सिस्टम्स को हम एक एक करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम सिर्फ हाइपोथैलेमस के बारे में आपको बताएंगे बेटा कि हाइपोथैलेमस में क्या चीज होती है, कैसा होता है, क्या काम करता है। तो ये हमारे पास मेन तो ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, ये सब पार्ट्स हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि सबसे पहला जो सिस्टम है हमारे पास ग्लैंडुलर सिस्टम में, इसमें मैंने कहा कि आज हम सिर्फ आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताएंगे, बाद में दूसरी ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो होती है उसकी पोजीशन क्या है बेटा? पोजीशन कहां पर प्रेजेंट है? मैंने अभी आपके सामने लिखा था कि पहली फर्स्ट थ्री ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है बेटा, ये तीनों ग्लैंड्स जो है वो कहां पर है? स्कल में प्रेजेंट है, क्रेनियम में यानी हमारे सिर में प्रेजेंट होती है। तो इसकी पोजीशन क्या है? देखिए दे आर लाइज इन द फोर ब्रेन, फोर ब्रेन जो होता है ना बेटा उस फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द डाई एन, डाई एन सिफेलोन, डाई एन सिफेलोन, डाई एन सिफेलोन रीजन था बेटा रूफ ऑफ, अब आप कह सकते हो रूफ ऑफ डाई एन सिफेलोन। डाई एन सिफेलोन जो होता है बेटा वहां पर क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, एपिथैलेमस होता है, देन उसके ऊपर उसके बाद नीचे की तरफ क्या होता है बेटा? हाइपोथैलेमस होता है। अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है इट्स जस्ट ज्वाइंट विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, हम ये कह सकते हैं हाइपोथैलेमस ज्वाइंट विद हाइपोथैलेमस ज्वाइंट्स विद विद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस जंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड द
हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस रीजन के साथ वो ज्वाइंट होता है बेटा। अब ये जो मींस हमारे पास हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस का क्या रोल होता है? देखिए बेटा, जो हाइपोथैलेमस है इसका रोल होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसका फंक्शन, ठीक है, फंक्शन है सीक्रेट, सीक्रेट्स द टू टू हार्मोन, ठीक है बेटा, दो हार्मोन सीक्रेट करता है, वो कौन कौन से हैं? आप इसको बोल सकते हो आईएच, आईएच का मतलब बेटा इनहिबिटरी हार्मोन, आईएच का मतलब क्या होता है? इनहिबिटरी, इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है हमारे पास इनहिबिटरी हार्मोन के साथ, दूसरा हार्मोन हमारे पास एसएच, एसएच, ठीक है, या इस एच को, इस एच को बोल सकते हैं आरएच के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टिमुलेटरी हॉर्मोन्स, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स आप ये बोल सकते हो, स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, या बेटा आर का मतलब क्या है, रिलीजिंग हॉर्मोन्स, ठीक है ना। एक तो क्या हमारे पास इनहिबिटरी हॉर्मोन, स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स या रिलीजिंग हॉर्मोन्स। अब आप कहोगे सर इन हॉर्मोन्स का क्या काम है? बेटा इन हॉर्मोन्स का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा कि इट सीक्रेट द स्टिमुलेटरी हॉर्मोन्स, सॉरी इनहिबिटरी हॉर्मोन्स, दूसरा क्या है, सीक्रेट द स्टिमुलेटरी हॉर्मोन्स, ये जो केस है स्टिमुलेशन या इनहिबिट करने का। देखिये बेटा, ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, इस एंडोक्राइन सिस्टम में इस हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द हेडमास्टर, ये एक ग्लैंड है जिसको हेडमास्टर बोलते हैं। तो इसमें दो टाइप के हार्मोन छोड़े, आईएच या एसएच या आरएच बोल सकते हैं, रेगुलेटरी हार्मोन्स। ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के डिफरेंट लोब्स होती हैं, वो डिफरेंट लोब्स जो होती हैं बेटा वो बॉडी के डिफरेंट इस ग्लैंडुलर सिस्टम को, जो लोअर पार्ट्स में यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड्स, थायराइड्स, थैलेमस, ये जितने भी पार्ट्स इनको कंट्रोल करने का काम करती है। तो जब भी इन ग्लैंड्स के द्वारा कोई सब्सटेंस सीक्रेट होता है, अगर वो ज्यादा अमाउंट में होता है तो बेटा वो ब्लड के थ्रू कहा जाता है हाइपोथैलेमस के पास जाता है। हाइपोथैलेमस यहां ऐसी सिचुएशंस में ये जो हार्मोन है आपके पास, कौन सा हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड द इनहिबिटरी हार्मोन्स, इस इनहिबिटरी हार्मोन्स को वो रिलीज करता है और इन ग्लैंड्स के द्वारा जो सीक्रेशन होता है उसको रेगुलेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास इनहिबिटरी हार्मोन्स ये रिलीज करता है, वो इनहिबिटरी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा जो रेगुलेटरी हार्मोन्स रिलीज किया जाता है उसको इनहिबिट करवाता है। ऐसा ही इसके अपोजिट में होगा बेटा, ऐसा ही इसके अपोजिट में होगा, जब मान लीजिए इन ग्लैंड्स के द्वारा कोई सब्सटेंस जो सीक्रेट हो रहा है वो स्मॉल अमाउंट में है और रिक्वायरमेंट जो है बेटा वो लार्ज अमाउंट में है, तो ऐसे में ये ग्लैंड्स सिग्नल ड्रॉ करेंगी और वो सिग्नल कहां से कहां जाएगा बेटा, ब्लड के थ्रू वो सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस में। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, द रिलीज द स्टिमुलेटरी हार्मोन्स या रेगुलेटरी हार्मोन्स, और वो स्टिमुलेटरी या रेगुलेटरी हार्मोन किसके पास जाएगा बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल प्रोवाइड करेगी इन सभी ग्लैंड्स को, ताकि ये मैक्सिमम जो सब्सटेंस है जो इनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है उसको लार्ज अमाउंट में सीक्रेट करें। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस जो होता है बेटा वो हार्मोनल कंट्रोल करने में मदद करता है। हम लिख भी सकते हैं कि ये जो हाइपोथैलेमस है हेल्प इन हार्मोनल मोनल सीक्रेशन है, ठीक है ना, हार्मोनल सीक्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसको रेगुलेट करता है, और ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है जो डायरेक्टली बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, अंडरस्टैंड। तो हमने आज अपने इस लेक्चर में सिर्फ हाइपोथैलेमस को पढ़ाया बेटा, अब आगे से आगे वाले लेक्चर के अंदर हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाएंगे, फिर पिनियल ग्लैंड पढ़ाएंगे, इस तरीके से हमारे पास हो सकता है दो तीन लेक्चर और इस चैप्टर पे, यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने आप लोगों को क्या बताया है, इनिशियल कंडीशन में जब हमने ये चैप्टर आज स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने ग्लैंड्स का जिक्र किया, मतलब न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में हमने नर्वस सिस्टम ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके थे, तो हमने आज
एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया। उस एंडोक्राइन सिस्टम का मेन पार्ट जो होता है वो ग्लैंड्स होती है, मतलब ग्लैंड्स होती है। वो सबसे पहले हमने ग्लैंड की डेफिनेशन बताई कि ग्लैंड कोई एक सेल भी हो सकती है, टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, जो स्पेशल केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है और वो स्पेशल केमिकल सब्सटेंस हार्मोन कहलाता है। उस हार्मोन को स्टार्लिन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया 1905 के अंदर। फिर हमने ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन किया। ग्लैंड्स के क्लासिफिकेशन में हमने 4 टाइप की ग्लैंड्स बताए बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हेटरोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। यहां पर हमारे पास इनमें से कोई ग्लैंड मतलब सिर्फ ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिस्टम है या हेटरोक्राइन ग्लैंड का सिस्टम है या मिक्स ग्लैंड का सिस्टम है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है बेटा जो अपने सीक्रेशन को डायरेक्टली ट्यूब की सहायता से, वेसल्स की सहायता से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचा देते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, दैट इज कॉल्ड द, किसको क्या बोलते हैं हम बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक तरीके से ये सारी ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मतलब द ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट देयर सीक्रेशन विदाउट डक्ट। जो टारगेट साइट होता है उस पर कोई डक्ट नहीं होती, वो ब्लड के थ्रू उसको सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो ये सारी के सारी ग्लैंड्स इसमें इंक्लूड हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दो टाइप की ग्लैंड्स और प्रेजेंट है बेटा, जिसमें हमारे पास कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है। एक तो हमारे पास ग्लैंड है जिसको हमें हेटरोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से बोलते थे, ये पैनक्रियास हमारे पास एग्जाम्पल है जिसका, हेटरोक्राइन ग्लैंड्स का। और एक ग्लैंड हमने बताई थी मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है ना। पैनक्रियास जो हेटरोक्राइन ग्लैंड है या मिक्स्ड ग्लैंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा, पैनक्रियास हेटरोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरीके का नेचर शो करती है। इट्स एक्ट एज ए एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, यानी हॉर्मोन्स के केस में तो ये क्या करती है, एंडोक्राइन है, और जब एंजाइम सीक्रेट करती है तो उसको डायरेक्टली डक्ट की सहायता से यानी डाइजेस्टिव ट्रैक में छोड़ देती है, इपेटो पैनक्रियाटिक कैम्फुला जो होता है उसके थ्रू डक्ट में ले आती है बेटा। उस केस में ये कौन सी बन जाती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। गोनेड्स क्या होते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड में मैंने बताया ऐसी ग्लैंड जो हॉर्मोन भी सीक्रेट करती है और सेल्स भी सीक्रेट करती है। हम इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।